नमस्कार दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि यूज़ ऑफ कैट कमांड, टैग कमांड एंड हमारे पास दो सिंबल्स हैं, सेमी कॉलन एंड पाइप सिंबल। इनका हम अपनी लिनक्स में कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में जो हमने सीखा था डायरेक्टरी क्रिएशन का और फाइल क्रिएशन का फंडा और डेटा पार्टन और हमारी डेटा प्लानिंग थी कि मतलब कि हमें डेटा कैसे क्रिएट करना है। हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं वो हम पाथ सही दे रहे हैं, करेक्ट दे रहे हैं या नहीं, और उसके थ्रू हमने डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, नेस्टेड डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है, और कोई फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल हमें कैसे क्रिएट करनी है। तो ये सब हमने सीखा अपने लास्ट लेक्चर तक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमने फाइल तो क्रिएट कर ली दोस्तों, लेकिन हम फाइल को रीड कैसे करेंगे। तो एक बार टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम। देखिए मुझसे कहाँ गलती हुई है, टर्मिनल स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। एंटर किया, टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है। साइज हम इसका बढ़ा लेंगे, आपको पता है। तो हम पढ़ चुके थे दोस्तों mkdir, और mkdir हमने नेस्टेड के लिए भी पढ़ा था। स्पेस देके अगर हम स्मॉल p लगाते हैं तो वो नेस्टेड के लिए यूज़ होता है, या फिर और हमारी फाइल क्रिएशन के लिए टच कमांड। और डेटा प्लानिंग के साथ हमने सीखा था कि हम कैसे पाथ देते हैं, कैसे पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कैट कमांड की। कैट कमांड का यूज़ होता है हमारा फाइल रीडिंग के लिए। हम फाइल को रीड कैसे करेंगे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ करंट में अभी हमारे पास कौन कौन सी फाइल हैं। अभी मैं ls करता हूँ और रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो ये रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी वो हमें दिखाएगा अभी। तो ये हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की हुई थी, तो इन सब पे क्रिएटेड है। तो मैं इनमें से दो फाइलें लूँगा, एक ये एनाकोंडा जो मतलब हमारी सिस्टम डिफ़ॉल्ट फाइल है, इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम छेड़ेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि सिस्टम जनरेटेड फाइल है, सिस्टम की डिफ़ॉल्ट फाइल है, हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए। तो हम केवल उस पर रीड ओनली की ही प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा हमारा ETC के अंदर एक पासवर्ड नाम की फाइल होती है, हम उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इसे कंट्रोल एल किया, क्लियर किया, स्क्रीन आ गया। ठीक है, अब हमें समझिए कि हमें फाइल रीड करनी है। कैट कमांड का यूज़ करेंगे हम फाइल रीड करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फाइल का नाम, हमारी फाइल जो है रूट की होम डायरेक्टरी में ही है, तो हमें कोई सिंबल मर की कोई साइन देने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट उस फाइल को हम करेंगे, अभी हम मैंने दिखाई थी आपको एनाकोंडा के नाम से थी, ये थी। इसे एंटर करते हैं। देखिए ये पूरी फाइल का कंटेंट हमें रीड करना था, तो पूरी फाइल का कंटेंट हमें आ गया है इसमें। ये हमने रमन कमांड टाइप करी थी, उसके बाद ये पूरा पूरा कंटेंट आ गया है। तो सभी कंटेंट आपको सोचोगे कि इतना सारा कंटेंट हम कैसे रीड करेंगे, तो अभी हम बस सीख रहे हैं हम कैसे कि हमें कैसे कंटेंट देखना होता है। और इसी के अंदर अगर हमें कैट कमांड के आगे हम फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं इसे, कैट कमांड के आगे अगर हम ऑप्शन के लिए स्पेस हाइफन एन यूज़ करें, फिर फाइल का नाम दें, तो ये हमारा लाइन नंबर प्रिंट कर देता है फाइल में एनाकोंडा। देखिएगा हम ये देखिए, हर लाइन के आगे इसने लाइन नंबर प्रिंट कर दिया। टोटल हमारे 48 लाइन्स है। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान दिया, हमने कैट कमांड यूज़ करी फाइल रीड के लिए, इसका कंटेंट देखने के लिए, ठीक है। हाइफन एन कमांड भी हमने यूज़ कर ली, ठीक है। लेकिन हमारा जो लाइन नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे ब्लैंक स्पेस जो ब्लैंक लाइन है उसको भी हमारा काउंट कर रहा है। अगर हमें ये इन्हें स्किप करना हो तो हम ऑप्शन में यहाँ पर हाइफन एन की जगह यूज़ करेंगे हाइफन बी। करके दिखाता हूँ मैं आपको, कैट हाइफन बी देन हमारा फाइल का नेम। देखिए अब जितनी भी ये ब्लैंक लाइंस थी इन्होंने यहाँ पे इसे यूज़ नहीं किया, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे जो फ़ोन नंबर पहले यहाँ पे ब्लैंक लाइन पे आ रहा था, अब नहीं आ रहा। तो हाइफन बी का यूज़ करते हैं हम ब्लैंक स्पेस को काउंट ना करने के लिए। ऐसे ही हमारी और एग्जांपल लेते हैं कैट कमांड का। मैंने आपको बताया था ETC में हमारा पास WD होता है। देखिए
पास डब्ल्यूडी अभी मैं ये सब फाइलों के बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे जैसे हम अपने लेक्चर्स को हम आगे बढ़ाते जाएंगे आपको मैं इसका डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी केवल हम कैट कमांड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए पास डब्ल्यू डी में आपको बस थोड़ा 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 ऊपर से बता देता हूँ। पास डब्ल्यू डी में अगर हम सबसे ऊपर देखेंगे, देखिए कैट कमांड हमने चला ही आ गया, तो इसमें आता है हमारे जो भी यूजर्स क्रिएट होते हैं उनकी डिटेल। रूट यूजर की आ रही है, देखिए रूट यूजर की हमारी इसकी डिटेल आ रही है, और लास्ट में डिटेल अगर आप चेक करेंगे तो हमने जो यूजर डिफॉल्ट किए थे, कस्टमाइज यूजर थे, उन सब की देखिए इन्फोकॉम अंकित ये यूजर हमने क्रिएट करे थे, तो इनकी भी डिटेल आ रही है लास्ट में। और जो भी हमारे यूजर क्रिएटेड होते हैं उनकी आईडी हमारी 1000 से स्टार्ट होती है। जो भी यूजर्स हम क्रिएट करेंगे, कस्टमाइज करेंगे अपने खुद से, 1000, फिर 1001 और फिर 1002, ऐसे करके कि मैं दिखा देता हूँ आपको। यूजर ऐड अंकित क्रिएटेड है इसमें, मैं अशोक के नाम से यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर ऐड अशोक कर देते हैं, ठीक है अशोक ऐड हो गया। मैं फिर से आपको इसका एक बार फाइल का कंटेंट पास डब्ल्यू डी दिखाता हूँ, देखिए अशोक नाम से 102 हमारा ये भी क्रिएट हो गया। तो पास डब्ल्यू डी में यही इसकी थोड़ी सी डिटेल्स होती हैं यूजर्स की, और मैंने आपको दिखाया। हाँ अब हमें इसकी भी हमें मान लीजिए लाइन नंबर के सर्च करनी है, तो हम फाइल का नाम देंगे यहाँ पे ETC के अंदर है हमारी, /etc/passwd, स्लैश हमने यहाँ पे आपको दोस्तों मैं हमने डेटा प्लानिंग में मैंने आपको बहुत बताया था कि यहाँ पे स्लैश क्यों आया होगा, क्योंकि ETC की फाइल हमारी जो रूट फोल्डर है या फिर जो मेन पार्टीशन है उसके अंदर है। मैंने ग्राफिकली भी और आपको काफ़ी बताया था लास्ट लेक्चर में, आपको ध्यान होगा तो जरूर समझ में आ रहा होगा। देखिए लाइन नंबर प्रिंट होगा कि टोटल इसमें भी हमारी 48 लाइन क्रिएटेड हो चुकी हैं, और सेम अगर हमें इसको ब्लैंक स्पेस को हमें गायब करना हो, हाइफन बी किया, ब्लैंक स्पेस का जो हमारा लाइन नंबर था वो हमारा डिसअपीयर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा कैट कमांड का यूज़ किया हम फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, और ऑप्शन हमने इसमें देखे, ऑप्शन और भी हैं लेकिन अभी हमने ऑप्शन इसमें देखे, हाइफन एन का जो लाइन नंबर को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, और हाइफन बी का जो ब्लैंक स्पेस को डिसअपीयर करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों आपने देखा होगा अगर मान लीजिए कि ये 48 लाइन सबसे नीचे थी, हमें ये सबसे ऊपर चाहिए कि हमारा लास्ट यूजर जो जो था हमें वो शो करिए जो लास्ट यूजर क्रिएट हुआ हो, तो हम कैट की जगह हम टाइप करेंगे टैग टैग और फिर फाइल का नेम, मतलब ये फाइल को नीचे से स्टार्ट करता है टैग कमांड PWD। देखिए यहाँ पे जो लास्ट में क्या आ गया, हम हमारा भी ये लास्ट में आ गया जो हमारा कैट कमांड से सबसे पहले था रूट यूजर, और सबसे फर्स्ट में होगा हमारा अशोक जो हमने क्रिएट किया था, ये देखिए अशोक नाम का यूजर हमारा सबसे ऊपर शो हो रहा है अब यहाँ पे। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि हमने कैट का उल्टा टैग कर दिया तो ऐसे हम किसी भी कमांड कर सकते हैं, ls की जगह sl कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल हमारा कैट और टैग का ही ये कमांड है। प्ले कर देता हूँ, तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कैट का यूज़ और टैग का यूज़। अब हम आगे हम यूज़ करते हैं सिंबल्स के बारे में, हम पढ़ेंगे अब अपना, नहीं एक चीज़ और दोस्तों, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने कैट कमांड यूज़ करी ETC पासवर्ड पे, ETC पास WD, ठीक है। अब हमें सोचिए दोस्तों, हमें इसकी जगह हमें ये जानना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस का हमें आउटपुट नहीं चाहिए, जैसे कि हम ये यूज़ कर रहे थे तो 48 तक और साथ में आउटपुट भी आ रहा था लाइन नंबर, हमें केवल ये जानना है कि इसमें नंबर ऑफ लाइन कितनी है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्ड काउंट WC स्पेस लाइन नंबर के लिए ऑप्शन होगा L-L फिर हमारा फाइल का नेम /etc/passwd। देखिए दोस्तों इसने हमें बता दिया कि हमारा 48 लाइंस है ETC पासवर्ड फाइल के अंदर, पासवर्ड फाइल की हमारी 48 लाइन है, उसका हमें एक एक लाइन का इसने आउटपुट नहीं दिया। सेम W वर्ड काउंट से हम
नंबर ऑफ, अगर हमें वर्ड काउंट करने हो तो etc/pass wd करें हम, टोटल नंबर ऑफ वर्ड थे इसमें 107। सेम अगर हमें इसके कैरेक्टर भी काउंट करने हो तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जिस करेंगे सी लगाएंगे यहाँ पे हाइफन सी, तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर बता देगा। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं इसमें 2613 लाइन पास डब्ल्यू डी के अंदर अभी। तो ये थी हमें कि अगर हमें कंप्लीट आउटपुट नहीं चाहिए, हमें केवल काउंट करके हमें बताना है कि हमें कोई क्लाइंट ने मांगा कि यार उस लाइन में टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है, कैरेक्टर कितने हैं, और मुझे उसका कंप्लीट आउटपुट नहीं, आप केवल इतना ही बता दो, तो आप उन्हें wc कमांड का यूज करके बता सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा wc कमांड। और दोस्तों एक चीज़ और थी सिंबल्स, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हम अब पढ़ने जा रहे हैं सेमी कॉलन के बारे में, और एक हमारा सिंबल होगा पाइप। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम ज़्यादा प्रीफर कर जिसको करते हैं वो है पाइप सिंबल। मतलब कि प्रीफर तो दोनों ही है, लेकिन पाइप सिंबल का यूज़ हमारा काफ़ी यूज़ होता है हमारे आउटपुट को कस्टमाइज़ करने के लिए। मतलब कि ये जिस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए होता है, वो उस फॉर्मेट में अगर हमें पाइप सिंबल का यूज़ करना आता है तो हम आउटपुट ले सकते हैं। तो पहले हम यूज़ करते हैं सेमी कॉलन कमांड का। सेमी कॉलन का सिंबल का यूज़ हम जब करते हैं दोस्तों, जब हमें सेम लाइन में हमें दो कमांड रन करनी हो सेपरेट सेपरेट, एक कमांड अपना काम करे दूसरी कमांड अपना। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे पास एक कमांड होती है lsblk, फाइल की पार्टीशनिंग को देखने के लिए होती है हमारी, ये ड्राइव की पार्टीशन को देखने के लिए। अभी इसमें ज़्यादा इसमें नहीं बताऊँगा। तो हमें एक कमांड ये चलानी हो, दूसरी कमांड हमें रन करनी है सेमी कॉलन। मान लीजिए कि हमें फाइल को देखना है, पासवर्ड नाम की फाइल को, तो etc/passwd रन करेंगे। तो देखेगा इसने, हमने पासवर्ड की फाइल को देखने के लिए कमांड रन करी थी, तो ये हमारी ये रन हो गई। और lsblk जो हमने चलाई थी वो देखिए वो ये रही। तो सेमी कॉलन का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें कोई दो कमांड एक साथ रन करनी हो। ये हमारी lsblk यहाँ तक थी हमारी, इसके बाद हमारी पास wd चली। मैं आपको दोनों को अलग अलग चला के भी दिखा देता हूँ, ऐसा ही नहीं। पास wd को तो मैंने आपको दिखाया था, lsblk को तो दिखाता हूँ। lsblk ब्लॉक देखिए, और जब हमने दोनों को टाइप किया सेमी कॉलन लगा के एंटर किया, तो इसने हमारी दोनों कमांड रन कर दी। तो ये हमारा सेमी कॉलन सिंबल का यहाँ पे यूज़ होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपको नॉलेज होगी। मान लीजिए ये lsblk हो गई, और इसके अलावा हमें इसमें कोई भी कमांड चलानी है दूसरी, या फिर हमें कोई यूजर के साथ यूजर ऐड करते हैं फिर पासवर्ड के लिए अलग से कमांड चलाते हैं, तो ऐसा नहीं। जैसे हमने यूजर ऐड करा नया, यूज़र हम ऐड करते हैं सोन प्रांशी, यूजर हमने ऐड करी प्रांशी, और हमें इसका जो है पासवर्ड भी देना है। तो या तो हम इसके बाद में दे देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी कहते हैं पास wd, और पासवर्ड हमें किसका चेंज करना है प्रांशी का। एंटर किया, यूजर हमारा क्रिएट हो गया, पासवर्ड के लिए पूछेगा, पूछ लिया, तो हमें जो भी इसका पासवर्ड देना है सेट कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़, कि जब हमें दोनों कमांडों को सेपरेट रन करना हो, और दोनों एक दूसरे पे, ऐसा नहीं कि हमारी डिपेंडेंट भी होती हैं, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सेमी कॉलन में दोनों कमांड हमारी डिफरेंट होंगी और आउटपुट वो आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये होता है दोस्तों हमारा सेमी कॉलन का यूज़। अब हम दूसरा सिंबल जो मैंने आपको बताया था वो था पाइप। बैक स्पेस के नीचे आपका होता है, मतलब एक लाइन सी होती है, उसे कहते हैं पाइप सिंबल। कई सारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, मतलब कि एक लाइन ऐसे करके होती है, थोड़ी छोटी छोटी दो लाइनें होती हैं इस, मतलब कि ये लाइन जो होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है ये, या फिर पूरा। तो इस सिंबल को कहते हैं पाइप। एक बार मैं पाइप सिंबल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेक्चर नंबर 7, ये सेमी कॉलन के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
टू रन मोर देन वन कमांड एट ए टाइम इन सिक्वेंसिंग ऑर्डर के लिए हम सेमी कॉलन यूज करते हैं। पाइप सिंबल का हम यूज करते हैं टू ज्वाइन मल्टीपल कमांड। हमें मल्टीपल कमांड्स को ज्वाइन करना हो टू गेट अ कस्टमाइज आउटपुट अपने मन चाहे आउटपुट के लिए, मतलब कि हमें जिस तरीके का आउटपुट चाहिए तो हम पाइप सिंबल का यूज कर करके उस तरीके का आउटपुट ले सकते हैं, मतलब कि सिस्टमाइज वे में। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी टाइप कर दिया पाइप सिंबल आपको काम कर देगा, नहीं। और ये हमारा किस तरीके से वर्क करता है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए, एक बार चलते हैं लिनक्स पे, इसे एक बार क्लियर कर देता हूँ। कंट्रोल एल, क्लियर हो गया, फुल स्क्रीन, ये पाइप सिंबल। हाँ, इसकी जो हमारा सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। हम यहाँ पे हमारा कुछ भी मतलब एक एक कमांड होती है, और अभी मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, आपको अभी बताऊँगा दोबारा से। और यहाँ पे दूसरी, फिर यहाँ पे एक पाइप सिंबल, और फिर यहाँ पे तीसरी कमांड सपोज कीजिए। तो हमारी ये वाली जो कमांड होगी थर्ड लास्ट वाली, ये हमारी डिपेंड होगी इस कमांड पे, सेकंड वाली पे। और हमारी सेकंड वाली जो कमांड होगी वो डिपेंड होगी फर्स्ट वाली के आउटपुट पे। कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको एक बार हटा देता हूँ मैं सबको। आपको पता है कि हमें कर्सर से इधर सबको हटाना हो तो कंट्रोल के साथ हम यू प्रेस करते हैं, सब एक साथ डिलीट। जैसे दोस्तों हमने अभी पढ़ रहे थे, अभी लास्ट कमांड हमने सीखी थी LSBL के, हमें इसका आउटपुट हम देख रहे थे ये आ रहा था। सपोज कीजिए हमें चाहिए कि हमें इसका लाइन नंबर चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप या तो ऐसे करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं कैट लगाऊंगा और यहाँ पे कमांड कर दूंगा, ठीक है। आपको मैं चला के दिखा रहा हूँ क्या आया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये क्या कह रहा है, हमारी जो आप LSBL के जो कमांड यूज़ कर रहे हो ना, जिसको आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, भाई साहब ये कमांड है, कोई फाइल नहीं है जिसे कि आप पढ़ गए ऐसे कैट कमांड के द्वारा। क्योंकि कैट तो केवल एक फाइल को रीड कर सकता है, उसके कंटेंट को रीड कर सकता है, लेकिन LSBL के हमारी कोई फाइल नहीं है, हमारी कमांड है ये जिसके थ्रू हम ये पार्टीशनिंग देख सकते हैं ड्राइव की, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे यार अब तो मैं ये लाइन नंबर नहीं पढ़ पा रहा। लेकिन अभी दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया पाइप सिंबल कि उसका एक आउटपुट जो होता है, जो हमारा जो सेकंड होता है वो फर्स्ट के आउटपुट पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हम पहले LSBL के करते हैं, ठीक है। देखिए इससे ये आगे, ठीक है। अब हमें इसमें लाइन नंबर चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, इसके आउटपुट पे पाइप लगा दिया हमने पाइप। अब इसको हम कैट कर सकते हैं, कैट -n। मैंने बताया था इस ये वाली जो कमांड है इसके आउटपुट पे डिपेंड करेगी, ये वाली कमांड जो हमारी जो सेकंड कमांड होती है पाइप सिंबल के राइट हैंड साइड वाली, वो रन करती है लेफ्ट हैंड साइड के आउटपुट पे। तो इसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है, और उस पे हमारी कैट कमांड रन करेगी। करें दोस्तों, कमांड हमने टाइप कर दी है, देखिए ये हमारी कमांड थी, ये हमारा आउटपुट आया था LSBL का, और मैंने कहा ये कमांड हमारी वर्क करेगी सेकंड वाली जो है जो राइट हैंड साइड में है, ये वर्क करेगी इस पे। तो ये हमें आउटपुट मिल गया। तो ये होता है दोस्तों पाइप सिंबल का यूज़। एक तो एग्जांपल और हम इसके करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारी कोई कैट कमांड ही, इस बार कैट कमांड को पहले लेते हैं, कैट कमांड हमारी रीड कर रही है लाइन नंबर के साथ, ले नहीं लाइन नंबर नहीं ले लेते, डायरेक्ट केवल फाइल का नाम लेते हैं /passwd, ठीक है, फाइल है। अब हमें चाहिए कि हमें इसके लाइन नंबर काउंट में चाहिए, ऐसे हमें मतलब कि आउटपुट के साथ हमें लाइन नंबर नहीं चाहिए, केवल हमें इतना बता दो भाई साहब इसमें लाइन नंबर कितनी है, हमें पूरा आउटपुट मत दिखाओ, कोई नहीं, हम ऐसा करके दिखा देंगे आपको। मैंने इससे पहले आपको बताई थी वर्ड काउंट की कमांड WC, तो पाइप सिंबल हमने लगाया WC-L, ये हमारा लाइन नंबर काउंट करेगा। लेकिन लाइन नंबर किसका काउंट करेगा, जो इसका आउटपुट होगा इस पे लेफ्ट हैंड साइड में, जो पाइप सिंबल के जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसके आउटपुट पे हमारा लाइन नंबर काउंट करके बता देगा कि पास WD में भाई साहब इतनी आपकी लाइन है,
विदाउट कंप्लीट आउटपुट के, दिखा दिया इसने आपको 49। तो पाइप सिंबल का भी यूज़ आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं कि केवल एक कर सकते हैं हम इसमें अगर आप चाहें तो तीन चार, मतलब कि अपनी आउटपुट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कमांड के आगे आपके पाइप सिंबल लगते रहते हैं। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा वो कर लूँ, पानी पी लेता हूँ दोस्तों, मैं थोड़ी देर पॉज कर लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर जैसे दो पाइप सिंबल यूज़ करने हो एक सिंटेक्स में तो कैसे यूज़ करेंगे, उससे एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारी, देखिए lsblk की कमांड है जो हमें आउटपुट देती है पार्टीशनिंग का, ठीक है, और इसके ऊपर हमें लाइन नंबर काउंट करना है कैट, बताया मैंने, ये दो कमांड आपको बताया चुका हूँ कि आपकी राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट पे डिपेंड होगी, जो हमारा लेफ्ट का जो आउटपुट आएगा उसको कैसे शो करना है वो बताएगी हमारी राइट हैंड। सपोज़ कीजिए कि ये कमांड हमें आउटपुट दे रही है ये, ठीक है, लेकिन हमें ये सारा का सारा आउटपुट नहीं चाहिए, ठीक है, हमें केवल इसमें से लाइन नंबर भी चाहिए और केवल ये ऊपर की दो लाइन चाहिए या फिर ऊपर की केवल तीन लाइन चाहिए। तो एक कमांड होती है हेड, जिसकी मदद से हम जो टॉप की जो लाइंस होती हैं उसको हम प्रिंट कर सकते हैं हेड कमांड से, दिखाता हूँ अभी आपको इसके बारे में बताऊँगा, हेड कमांड के बारे में भी। अभी केवल मैं आपको पाइप सिंबल के लिए ही इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप फोकस करिएगा केवल पाइप सिंबल पे। ये आउटपुट दे रहा था, अब हम इस हेड कमांड का यूज़ करेंगे, हाइफन एन स्पेस, ऊपर की जितनी लाइन हमें चाहिए हाइफन एन के बाद, मान लीजिए हमें तीन लाइन चाहिए तो तीन हमने लगा दिया, देखिएगा आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट इसने हमें, इस आउटपुट ने जो कैट कमांड थी वो lsblk पे रन हुई और लाइन नंबर प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर हमारी जो तीसरी कमांड थी, इसने कहा कि इसका जो आउटपुट आया है, मतलब आउटपुट जो ये है ये आया था, इसमें से मुझे टॉप थ्री लाइंस निकाल के दे दो। तो टॉप थ्री लाइन 1, 2, 3 थी, तो इसका आउटपुट हमारा 1, 2, 3 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो आगे ये बहुत काम आएगा आपको ये पाइप सिंबल, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइव एनवायरनमेंट में आपके बहुत काम आने वाला है पाइप सिंबल। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, सपोज़ कीजिए ये जो हमारा आउटपुट आता है, हमें इसे साथ के साथ किसी फाइल में सेव करना हो तो कैसे करेंगे हम ये। इसके लिए सपोज़ कीजिए हमने कमांड हमने रन करी और ये आउटपुट है, हमें किसी फाइल में सेव करना है, तो इसके लिए दोस्तों एक सिंबल होता है फॉरवर्ड का। ये सिंबल जो है हमारा फाइल क्रिएशन के भी काम में आता है। अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी हो तब भी हम इस सिंबल से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी यह है कि अभी हमें इस आउटपुट को सेव करना है किसी फाइल में। सिंबल मैंने लगाया, ठीक है, सेव करने के लिए हम फाइल का पाथ दे देंगे। सपोज़ कीजिए कि मुझे फाइल रूट के अंदर बनानी है, रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर, अगर मैं ये सिंबल नहीं लगाऊंगा तो भी रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर ही बनेगी, क्योंकि अभी हमारी लोकेशन देखिए हम रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर ही हैं। तो रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर हम फाइल का नाम दे देते हैं, कोई भी नई फाइल, न्यू फाइल 1 करके, ठीक है। अब ये जो आउटपुट होगा हमारा इस फाइल में सेव होना चाहिए, देखते हैं रन करके, कमांड रन करी, अब इस फाइल को पढ़ते हैं कैट कमांड से, इसका पाथ देते हैं, रूट के अंदर है, वैसे अब हम रूट के अंदर हमने एक फाइल बनाई न्यू करके, न्यू फाइल 1, देखिए इसका आउटपुट ये हमारा सेव हो गया। तो ये कमांड होती है हमारी किसी फाइल को क्रिएट कर देगी साथ के साथ हमारी नई फाइल, और जो भी आउटपुट होता है उसे इसमें प्रिंट कर देती है। लेकिन दोस्त कमांड का आप बड़ी होशियारी से यूज़ कीजिएगा, बताता हूँ क्यों। सपोज़ कीजिए कि हमने ये करा भी, लास्ट कमांड दोबारा चलाता हूँ, ठीक है, इस बार मुझे लाइन नंबर 4 तक प्रिंट चाहिए, मतलब हेड कमांड जो होगी हमारी आउटपुट हमारी यहाँ तक देगी 4 नंबर तक, इसमें 3 नंबर तक का था,
फुल नहीं, इसको मैं कर देता हूँ, या फिर समझिए मैं एक बार कोई दूसरी फाइल खोल के आपको दिखाता हूँ, LSBL की नहीं, इसको हम जो भी था हमारा दो तीन वो ध्यान देते हैं। कैलेंडर पर देखता हूँ कैलेंडर पर चलेगी या नहीं। ठीक है, कैलेंडर चलाया मैंने, और इसका जो आउटपुट आया होगा इसने लाइन नंबर में कन्वर्ट किया होगा, और इसने उसकी टॉप 3 लाइन जो होगी वो प्रिंट कर दी होगी न्यू फाइल में। चेक करते हैं कैट कमांड से, न्यू फाइल इसको नहीं लगाएंगे तब भी आएगी। देखिए इसने टॉप 3 कैलेंडर की जो थी वो प्रिंट कर दी, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान दिया, न्यू फाइल हमारी जो पहले भी क्रिएटेड थी उसमें जो डेटा हमने जब इसका आउटपुट सेव किया था तो ये था। अब हमने दोबारा किया तो ये जो डेटा था हमारा, ये जो कंटेंट था, ये यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब कि ये जो सिंबल है फॉरवर्ड का ये ओवरराइट कर देता है आपकी जो फाइल होती, फाइल के कंटेंट को। सपोज़ कीजिए कि अब मुझे इसके नीचे ये चाहिए था, मतलब कि मुझे ये भी चाहिए, और जो मैं कुछ और काम करूँ फिर उसे भी सेम फाइल में ही मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मेरा दूसरा वर्क भी, हमारा दूसरा आउटपुट भी उस फाइल में आए विदाउट ओवरराइट, ओवरराइट ना हो, फाइल अपेंड हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डबल फॉरवर्ड, ये सिंबल। एक बार दोबारा से चला के दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको इस समय जो मेरा जो न्यू फाइल वन में जो कंटेंट है वो कैलेंडर का है, ठीक है। अगर मैं इसमें LSBL की कर देता हूँ अब, तो इस समय स्टार्टिंग कंट्रोल ए LSBL के, ठीक है दोस्तों, अब इसको ये ओवरराइट नहीं करेगा, जो मेरा जो कैलेंडर का जो कंटेंट का जो आउटपुट था ये भी रहेगा, और जो इस कमांड से जो आउटपुट आएगा वो इस पे ओवरराइट हो जाएगा। चलाते हैं, रन करते हैं कमांड को, कंट्रोल ई एंटर, चेक करें कैट फाइल का नेम था हमारा न्यू फाइल वन, एंटर करें। देखिए अब इसमें डेटा हमारा ये भी रहा और ये भी रहा। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, मैंने कहा आउटपुट को कैसे सेव करते हैं फाइल में, और तो इन दोनों के सिंबल के बारे में भी आपको बता दूं, तो मैंने आपको बता दिया। सपोज आपसे कोई कहता है कि एक फाइल क्रिएट करो, ठीक है, सपोज ये फाइल क्रिएट करो और विदाउट टच फाइल, तो आप कैसे करेंगे? आप इससे भी, ये हमारा फाइल क्रिएशन के भी काम आता है, यहाँ पे हम चला देते हैं न्यू फाइल टू, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए न्यू फाइल टू भी हमें क्रिएट हो गई, हम इसे कैट कमांड से डिलीट करते हैं, डिलीट करेंगे इसे, एक स्पेस, अभी इसमें कंटेंट कुछ नहीं है तो फाइल हमारी खाली होगी, कमांड रन करेगी लेकिन शो नहीं करेगा क्योंकि हमने इसमें कुछ डाला नहीं है, हमने केवल ये नल फाइल क्रिएट करी है खाली। देखिए फाइल रीड हुई लेकिन फाइल के अंदर कोई कंटेंट नहीं था इसलिए इसमें कुछ शो नहीं करा। तो इस तरीके से जो मैंने आज जो आपका कवर किया है टॉपिक्स, वो एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारा कैट हो गया है, टैग हो गया है, और ई को नहीं पढ़ाया, ई को शायद मैंने आपको लास्ट में बताया था, मैसेज प्रिंट करने के लिए होता है, और वर्ड काउंट के लिए हम वर्ड काउंट से यहाँ पे ऑप्शन देते हैं जो भी हमें देना हो, फिर जिस फाइल का वर्ड काउंट करते हैं वो यूज़ करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर सिंबल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, सेमी कॉलन और पाइप दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिंगल फॉरवर्ड और अपेंड सिंगल दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी दोस्तों प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको ये फाइल चाहिए हो तो सेम कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा। तो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसमें मैंने आपको टैग पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, और WC भी हमारा कवर हो गया है, और सिंबल्स में भी हमारे अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड सिंबल और अपेंड सिंबल दोनों हमारे कवर हो गए हैं।
आगे की क्लास में देखते हैं, हेड कमांड पढ़ेंगे, टेल कमांड पढ़ेंगे, और एक कमांड होती है सेड जो काफ़ी यूज़फुल है, वो भी आपके काम आएगी, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इन क्वेश्चनों का मुझे जवाब दीजिएगा। हाउ कैन वी प्रिंट द लाइन नंबर्स एंड व्हाट इज़ पाइप सिंबल, और पाइप सिंबल की कुछ एग्जाम्पल भी आप कमेंट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आज की क्लास बस यहीं पे फिनिश करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।